हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 सुपरनोवा ड्राइव करके आया हूँ और उसका वीडियो भी जल्दी ही आएगा। वो बाइक का हैंडल वगैरह काफ़ी लाइट था तो हैंडलिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी उसकी। उसको चलाने के तुरंत बाद जब मैं अपनी यामा FZ में बैठा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा बहुत मुझे हार्ड अप फील होने लगा है यामा FZ में। दैट वॉज एन इम्पैक्ट ऑफ द स्विच। रियलिटी में तो यामा FZ की डेली ड्राइविंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट ऑब्वियसली अगर मैं एक दूसरे टाइप की क्रूज़ बाइक को चलाने के बाद में इसको चलाऊंगा तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस में चेंज लगेगा। एंड अदरवाइज अगर 5-10 मिनट लगातार मैं अपनी बाइक को चलाता रहता हूँ तो वापस से नॉर्मल फील कर लेता हूँ। बट डेफिनेटली न्यू मीटियोर 350 का राइड क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा मुझे कंपैरेटिवली। एनीवेज हम दोनों बाइक को कंपेयर तो कर नहीं सकते बिकॉज दिस वन इज़ अ नेकेड स्पोर्ट्स बाइक विद 150cc इंजन एंड दैट वन इज़ अ क्रूज़ बाइक विद 350cc इंजन। कमिंग बैक टू द व्लॉग, मैं आज वापस से चला रहा हूँ वर्धा रोड के नए फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ी को, और यहाँ से मैं मनीष नगर के अंडरपास से भी ड्राइव करूँगा। अच्छी खासी स्पीड मेंटेन मैंने की हुई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ट्रैफिक में इसको चलाना। ये रास्ता बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी लग रहा है एंड ऑफकोर्स व्हेन आई एम राइडिंग माई यामा FZ द फन इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल। बाय द वे इस फ्लाईओवर पर स्पीड लिमिट्स भी हैं एंड मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में चल रहा हूँ बिकॉज काफ़ी खाली खाली सा ही रास्ता है, ज़्यादा ट्रैफिक तो है नीचे से ही जाता है। अभी भी ऊपर से जाने वाला ट्रैफिक अभी भी मुझे थोड़ा सा कम ही लग रहा है एंड दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर डेली ट्रैवलर्स लाइक अस। अगर हमें यहाँ से रास्ते से गुजरना है और ट्रैफिक कम मिले तो ये हमारा बेनिफिट ही है। यहाँ लेफ्ट में जो रास्ता आ रहा है ये मनीष नगर से आ रहा है और ये वाला रास्ता यहाँ से एंट्रेंस में बंद है। सो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अजनी स्क्वायर आप यहाँ से अंदर नहीं जा सकते, और अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो तो भी आप यहाँ पर नहीं जा सकते। यहाँ सिर्फ मनीष नगर के लोग यहाँ से फ्लाईओवर में जुड़ सकते हैं। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू मनीष नगर आपको पहले यू टर्न लेना है, फिर वहाँ अंडर पास में जाना है, देन यू कैन रीच द लाइन फ्रेश वाला लाइन, दैट्स पॉसिबल। थोड़ा सा लंबा लगता है ये वाला रूट मनीष नगर जाने के लिए, बट दैट्स ओके क्योंकि ट्रैफिक कम मिल रहा है, टाइम बच रहा है, एफर्ट्स कम लग रहे हैं, राइडिंग प्लेजर तो मिल ही रहा है क्योंकि आप टॉप स्पीड पर भी चला सकते हैं इस फ्लाईओवर पर गाड़ी को। बट सेफ राइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं हमेशा कहता भी हूँ। GoPro के GPS सिस्टम की वजह से आपको मेरी स्पीड ट्रैकिंग लगातार दिख रही होगी बॉटम राइट में, और बॉटम लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है वो एल्टीट्यूड है, मतलब मैं कितनी हाइट पर ऊपर गया और वापस नीचे आया, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जब मैं अंडरपास में जाऊँगा तो वही एल्टीट्यूड आपको काफ़ी नीचे की हाइट पर नज़र आएगा। अब थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पर है, बस को क्रॉस करके मुझे यू टर्न लेना है, देन आई विल गो टूवर्ड्स सोमलवाड़ा और उसके पहले ही मैं मनीष नगर के अंडरपास में एंट्री कर जाऊँगा।
यहाँ से राइट टर्न ले लिया और अब मनीष नगर अंडरपास में मैं जा पाऊँगा। देयर इट इज़, वंडरफुल। आई ऑलवेज लव टू एंटर दिस अंडरपास पाथ क्योंकि काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है एंड रेयर है। रेयर से रास्ते पर हमेशा चलाने के लिए नहीं मिलता था बट दिस वन इज़ लिटिल बिट रेयर। अच्छा लगता है बट सेफली यहाँ पर राइडिंग करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अचानक ओवरटेकिंग वगैरह कर ली क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं। और खूबसूरत काफ़ी बनाया है, ऐसा नहीं कि बस रास्ता बनाकर छोड़ दिया। पीपल हैव मेड इट वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। डिज़ाइन एंड लाइटिंग्स का काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे, तो मज़ा आता है चलाने में। अच्छा, मेरे टैंक में लगा हुआ गोप्रो स्टिकर तो आपने अभी तक नोटिस कर ही लिया होगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कैसा लग रहा है। वैसे भी आप में से ज़्यादातर लोगों को पता है कि मैं कार्बन फाइबर रैप लगाने भी वाला हूँ। मेरे पास रोल रखा हुआ और अब मेरा काफ़ी मन है कि उसको मैं फाइनली लगा दूँ। जल्दी ही मैं उसका वीडियो भी शेयर करूँगा। सो स्टे ट्यून विद मी एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत सारे व्लॉग्स और भी आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद मी। गुड बाय।